देख रहा है और हंस रहा है। आइए इसका नाम जानते हैं। बेटा आप स्कूल क्यों नहीं गए, बता सकते हैं? आप काम सीख रहे हैं मोटरसाइकिलों पर, मोटरसाइकिलों की दुकान पर, और सुबह से आते हैं तो शाम को कितने खर्च मिलती है आपको, बताओ कितने खर्च मिलती है? भाई बताए ना बेटा, आपको कितने खर्च मिलती है? 50 रुपये मिलती है। सारा दिन आप सुबह से लेकर शाम तक आप इधर आते हैं, मोटरसाइकिलों का काम सीखते हैं, ठीक है ना? तो बेटा आपने जो है वो पढ़ाई क्यों छोड़ी है? पढ़ाई छोड़ दी है आप लोग ने? क्यों, मम्मा और पापा नहीं पढ़ाते आपको? क्यों? पैसे क्या? अच्छा पैसे नहीं है, कहाँ रहते हो? आलमा का पेट्रोल पंप के साथ रहते हो। तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? शाहिद जी। शाहिद, मोहम्मद शाहिद। क्या काम करते हैं आपके अब्बू? बोलो ना जोर से बोलो। छत भरे मिस्त्रियों का काम करते हैं। और अच्छा बेटा आप मेरी बात सुन, आपने 5 पढ़कर पास कर दी है और अब आप मोटरसाइकिलों का काम सीख रहे हैं। अच्छा बड़े होकर फिर क्या बनेंगे? मैकेनिक बनोगे, अपनी दुकान खोलोगे? अच्छा आप लोग आगे क्यों नहीं पढ़ सके? बस बताएंगे ज़रा। बस आपके बुक क्या काम करते हैं? बाकी जी खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं, तो आप खेती बाड़ी का काम नहीं सिखाया, आपको कहा है कि भाई आप जाओ मोटरसाइकिलों का काम सीखो। तो रोज़ाना आपको कितनी खर्ची मिल जाती है? रोज़ाना 50 रुपये। 50 रुपये मिल जाते हैं? 50 रुपये आपको मिलते हैं। और बेटा आपको कितनी खर्ची मिल जाती है? 50 रुपये आपको मिल जाती है। तो अब आप स्कूल नहीं जाते आप? क्यों? मम्मा और पापा क्या काम? मम्मा कहती है कि बेटा पढ़ो या ना पढ़ो? मम्मा कहती है पढ़ो, तो पापा क्या कहते हैं? काम सीखो। मामा आपके अब्बू क्या कहते हैं? काम सीखो। अच्छा आपके अब्बू मिस्त्री का काम करते हैं, क्या काम करते हैं? अच्छा अच्छा तो आप बेटा पढ़ोगे? स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको स्कूल में फ्री दाखिला दिलवा दूंगा, आपका ख़र्चा भी मैं करूंगा। क्यों, काम सीखोगे? अच्छा गए हो स्कूल में कभी? स्कूल में गए हो? अच्छा चलो ठीक है।